हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रज्वल पाठक और आप इस समय मेरा यूट्यूब चैनल पाई गुरु देख रहे हैं। अभी तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम पीडीएफ को कैसे हैंडल कर सकते हैं पाइथन की मदद से। जैसे हमने देखा था कि पीडीएफ के पेजेस को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मर्ज कैसे कर सकते हैं, स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। ओके, इस वीडियो में बात करने वाले हम किस तरीके से किसी इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है। मैं अपना फोल्डर खोल लेता हूँ जहाँ पर मेरे पास इमेज मेरा सेव है। एंड ओके, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक इमेज है। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर दूँ। ओके, तो ये देखिए मेरे पास एक इमेज है, इसमें स्पेस की फ़ोटो है। ओके, मुझे क्या करना है, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। ओके, अभी ये देखिए विंडोज़ के फोटोज ऐप में खुल रहा है, मुझे इसको पीडीएफ में यानी एक्रोबैट रीडर के साथ खोलना है। तो कैसे करेंगे, ये समटाइम्स यूजफुल होता है क्योंकि जब आप कोई डॉक्यूमेंट्स स्कैन कराते हैं तो जनरली जेपीजी फॉर्म में होता है, तो आपको उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है। कहीं पर अगर आपको अपलोड करना है तो हमें उन्हें पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है। तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है आईएमजी टू पीडीएफ। इसको पिप से आप इंस्टॉल करेंगे। कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले टाइप कीजिए विंडो आर। ओके, सीएमडी ओपन कर लीजिए। इसमें आपको जस्ट टाइप करना है पिप इंस्टॉल आईएमजी टू पीडीएफ। ओके, इमेज टू पीडीएफ लाइब्रेरी को आपको इंस्टॉल करना है। एंड बहुत बड़ी फाइल नहीं है, छोटी सी है, तो आप सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, तो इसे इंस्टॉल होने दीजिए। ओके, तो इंस्टॉल कलेक्टेड पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे इसका यूज़ करना होगा। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इसको इंपोर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ इसे। सिंपली आपको टाइप करना है इंपोर्ट आईएमजी टू पीडीएफ। ओके, ये वीडियो देखने से पहले मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको फाइल हैंडलिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। ओके, जैसे फाइल्स को कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, कैसे राइट करते हैं। ओके, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, तो मैं इनके बारे में डिटेल में नहीं बताऊँगा। ओके, सिंपली मैं अपना प्रोग्राम बनाऊँगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ आईएमजी नाम का, इसमें अपनी इमेज की लोकेशन पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, देखिए मेरी इमेज की लोकेशन क्या है, ये है। आपको सिंपली इसे क्लिक करना है एंड यहाँ से पाथ इसका कॉपी कर लेना है। यहाँ मैंने कॉपी पाथ कर लिया। ओके, अपने प्रोग्राम में आते हैं, यहाँ आप इसको पेस्ट कर दीजिए। जितने बैकवर्ड स्लैश हैं उनको फॉरवर्ड स्लैश से रिप्लेस कर दीजिए। तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ सिंपली। ओके, एंड हम इसको अब पीडीएफ में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक हैंडल बनाना होगा एफ नाम का। मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना लिया ओपन क्लास का। हम इसे फाइल हैंडलिंग में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, कैसे टेक्स्ट फाइल को एडिट करते हैं, क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं, ये सब चीज़ों से पीडीएफ फाइल को हम रीड करने वाले राइट करने वाले सॉरी। तो सबसे पहले हम अपने पीडीएफ का नाम देंगे जिस नाम से आपकी पीडीएफ सेव होगी। सपोज ये मैं चाहता हूँ मेरा पीडीएफ हो आउटपुट डॉट पीडीएफ नाम से सेव हो। ओके, तो मैंने आउटपुट डॉट पीडीएफ लिख दिया। देन हमें मोड सेलेक्ट करना होता है। तो देखिए टेक्स्ट फाइल की मोड जो होती है सिंपली बाइनरी होती है, सॉरी सिंपली हम उसे राइट मोड में खोलते हैं। ओके, बट जो अदर फाइल्स होती है जैसे पीडीएफ फाइल होती है वो बाइनरी मोड में होती है। ओके, तो मुझे यहाँ पे राइट तो करना है बट WB मोड में। WB मोड मतलब राइट बाइनरी मोड। ओके, अब हमारे इस एफ ऑब्जेक्ट में एक फंक्शन आ गया है राइट फंक्शन। ओके, जिसकी मदद से हम क्रिएट कर सकते हैं अपने पीडीएफ को। तो यहाँ पर हम सिंपली क्रिएट करने के बजाय हम इस आईएमजी टू पीडीएफ में एक फंक्शन हमारे पास उसी को हम कॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मॉड्यूल का नाम जो हमारा है आईएमजी टू डॉट पीडीएफ। ओके, इसके अंदर एक फंक्शन है कन्वर्ट, उसको मैं कॉल करूँगा। कन्वर्ट के अंदर आपको बताना होता है किस इमेज को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देखिए मेरा इमेज कौन सा है, सिंपली ये मेरा इमेज है, इसमें मैंने ऑलरेडी लोकेशन स्टोर कर रखी है। तो यहाँ मैं लोकेशन ना पास करके सिंपली ये वेरिएबल अगर पास कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ओके, एंड देन हम क्या करेंगे एफ डॉट क्लोज। ओके, प्रोग्राम हमारा बन गया। अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे मेरे पास एक पीडीएफ फाइल यहाँ जनरेट हो जाएगी। देखिए आर ई पी एल क्लोज्ड, यानी सक्सेसफुल हो गया, कोई एरर नहीं आई। ओके, यहाँ देखिए एक आउटपुट डॉट आउटपुट है एंड ये पीडीएफ फाइल है। इसको अगर मैं ओपन करूं तो देखते हैं, ओपन होने दीजिए। ओके, तो देखिए ये एक्रोबैट रीडर में ओपन हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हमने सक्सेसफुली एक इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया। काफ़ी यूजफुल ये चीज़ है क्योंकि अक्सर हमें जब भी आप फोटोज स्कैन कराते हैं तो जेपीजी फॉर्म में होती है एंड उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है। तो ऑनलाइन जाने के बजाय आप पाइथन की स्क्रिप्ट से भी ऐसा कर सकते हैं। तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई डाउट है तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर आप इस चैनल नए हैं तो इस चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।